बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने प्यारों के साथ। जनाब, आज मैं बना रही हूँ चिकन शाशली विद एग फ्राइड राइस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और झटपट बनने वाला, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मेरे पास बोनलेस चिकन है, तकरीबन आधा किलो है। अब इसमें मैं स्पाइस डालूंगी, साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। एक चम्मच लहसुन कटा हुआ, ठीक है। अब एक चम्मच भर के सोया सॉस, एक चम्मच सिरका, वाइट विनेगर, ये हो गया। एक चम्मच चिली सॉस, बस इतनी, ज्यादा भी इसको भरना नहीं हमने, ठीक है। यूस्टर सॉस, ये देखें, एक चम्मच उस्टर सॉस, ये डाल दिया। अब डालेंगे हम तकरीबन एक चम्मच नमक, और ये उस्टर सॉस बड़ी आसानी से मिल जाती है, अच्छे स्टोर से, आम स्टोर से वैसे मिल जाती है, अब तो इतनी यहाँ पाकिस्तान में बहुत चल रही है, आम हो गई है, ठीक है। और एक चम्मच इसमें चीनी, छोटा वाला एक चम्मच, ज़्यादा मीठा ना हो जाए। नमक डाल दिया मैंने, अब ये थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच। अब इसको कर देंगे मिक्स। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। ये देखें, थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, अगर आप डालना चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, लेकिन इससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ठीक है। अब ये ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब मैं चिकन समेत ऑयल में डालूँगी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर आप तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, तो ये पक जाएगा। अब ये देखिए, हमारा चिकन फ्राई हो गया, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, प्लेट में निकाल लें, ठीक है। अब मुझे ये भी ज़रूर कमेंट में बताया करें कि मेरा बताने का तरीका आप लोगों को ठीक लगता है, ईजी लगता है, कि कोई मुश्किल तो नहीं होती किसी चीज़ में, तो मुझे ज़रूर बता दिएगा कि मैं इसको फिर ठीक कर लूँगी, ठीक है। चला, ये हो गया हमारा चिकन। अब इसी में जो मेरी वेजिस है, जो मैंने काटी हुई है, देखें, एक टमाटर था, 2 शिमला मिर्च और 1 बड़ा प्याज था, ऐसे मैंने क्यूब्स में सारी चीज़ें काट ली। अब ये इसी ऑयल में मैं डालने लगी हूँ, ठीक है। ये देखें, इसका ऑयल निकला हुआ है, इसी में अपनी सब्ज़ियाँ फ्राई कर लेंगे, बस हल्का सा हमने इसको कलर देना है, इनको सॉफ्ट नहीं करना। अब हमारी वेजिस भी फ्राई हो गई है, फ्राई किया, बस हल्का सा इसको ना हमने सोते किया, ये अब मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे ऑयल को स्ट्रेन करके निकाल, अब ये मैंने थोड़ा सा ऑयल कम हो गया, हल्का सा मैं और ऑयल डालूंगी, ज़्यादा वो चीज़ें फ्राई हुई हैं तो ऑयल हमारा कम हो गया, बस हल्का सा ऑयल डाला, और ये लहसुन जो कटा हुआ था ये थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा इसमें चिकन में डाला है और थोड़ा सा इसमें, इससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है लहसुन से। लहसुन हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। अब ये मैंने तकरीबन 2 बड़े, मेरे पास बड़े टमाटर थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब ये सोया सॉस है मेरे पास, 1-2 चम्मच भर के हमने सोया सॉस डाल दिया। तिरका है, ये भी 2 चम्मच,
बाद में एंड में आप टेस्ट कर लें, कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, ठीक है। एक चम्मच नमक, तकरीबन एक नहीं छोटा वाला मेरा चम्मच है, इसकी डेढ़ होगा क्योंकि अभी इसमें पानी डालना है। और ये काली मिर्च, ऐसे मैं करके आपको दिखा देती हूँ, तकरीबन हाफ चम्मच है, और हाफ चम्मच अब इसमें मैं केचप डालूंगी, एक दो तीन चार और तकरीबन पांच चम्मच। अब अपने हिसाब से अपने घर में बनाएंगे तो क्वांटिटी इसकी बढ़ा दें, ठीक है, कम बनाएंगे तो कम कर दें। अब इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन एक कप मैंने डाल दिया पानी, थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, फिर टेस्ट कर लेना है, टेस्ट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये पक गया हमारा, ये देखें हर चीज़ बन गई है इसमें। अब ये मैं तकरीबन दो चम्मच बड़े मैंने कॉर्नफ्लोर घोल लिया था, ये थोड़ा सा डालें, पहले थोड़ा सा डालेंगे फिर चेक कर लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, चलें बस इससे ज्यादा नहीं। ये आप अपने घर में बना लें, बनाएंगे जब तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा ये कितना थिक करना है हमने। ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया, थोड़ा सा पका लिया, ये देखिए बबल बन रहे हैं जैसे, मतलब ये रेडी है। अब मैं अपनी वेजेस जो मैंने फ्राई की थी वो डाल रही हूँ, और किया था आपके सामने ये सारा डाल देंगे, इसको करेंगे मिक्स। चलें ये देखिए कितनी माशाल्लाह शक्ल कितनी अच्छी लग रही है इसकी, मज़ेदार सा हमारा शास्त्रिक तैयार हो गया। अब इसको कवर करके मैं साइड पे करूँगी। अब आप बनाने लगे हैं एग फ्राइड राइस, अब हम अपने राइस बनाने लगे हैं एग फ्राइड राइस। ये देखें मैंने चावल मैंने पहले से बॉईल कर लिए, इसमें पहले ही बॉईल होते हैं, ठीक है, टाइम हमारा कम होता है। अब ये वो जो लहसुन है मैं पहले ऑयल डालूंगी, तकरीबन दो चम्मच, ये चावल है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये मैंने लहसुन डाल दिया। अब ये दो अंडे, इसको हम फेंट लेंगे, लहसुन हो गया, अब इसमें ये अंडे डाल देंगे। फटाफट चम्मच चलाएंगे, चलो ये देखिए मैंने अंडे जो डाले थे अब ये मैं निकाल रही हूँ। इसी ऑयल में ये मैंने सब्जियां काटी हुई, ये हमारा गाजर है, मैंने कद्दूकस कर ली, तकरीबन दो गाजर थी इनको कद्दूकस कर लिया, ये डाल दूंगी मैं अंदर। ये शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च थी ये बारीक काट लिया, और ये हमारे कॉर्न है, हाफ कप कॉर्न था, ये पहले से बॉयल है, और ये बंद गोभी है, एक छोटा सा पीस मैंने बंद गोभी का काटा। थोड़ा सा हम इसके सोते करेंगे, साथ साथ स्पाइस डालती जाती हूँ, ये मैंने हरा प्याज भी डाल दिया, वही स्पाइस जो है वही डाल देंगे, ऐसे हम ड्रॉप डाल दें, चिली सॉस, टिक्का। अब ये देखिए कितनी जल्दी बन रहा है, वो हमारा शास्त्रिक भी बन गया और एग फ्राइड राइस भी बहुत जल्दी बन रहे हैं, देखें। अब हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं, अब इसमें मैं तकरीबन एक चम्मच नमक डालूंगी क्योंकि मैं चावलों में बॉईल करते हुए नमक डाल दिया था, और ये हमारी काली मिर्च,
आधा चम्मच, ठीक है, थोड़ी सी केचप, एक दो तीन चार चम्मच। अब हमारी सब्जियां भी फ्राई होगी, सारे मसाले भी मैंने डाल दिए। अब ये अंडे जो थे वो दोबारा से अंदर डाल रही हूँ। अब इसके दौरान अब हम अपने चावल डाल देंगे। फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। ये देखिए बॉइल किए हुए हमारे चावल को मिक्स कर लेंगे। हमारे चावल रेडी है, ये देखिए। अब चावलों में मैंने सारी अपनी वेजी सब कुछ मिक्स कर लिया। अब 5 मिनट के लिए इसको दम लगाऊंगी। अब ये देखिए मैंने डिश आउट भी कर लिया। अब थोड़ा सा ऊपर से हम हरे प्याज से गार्निश करेंगे, ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। चलें जी, और ये चाइनीज़ जुबान है, ये भी मैंने लैंग्वेज है चाइनीज़, ये भी साथ मैंने डिश आउट की है, ठीक है जी। आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नए एम के साथ, नए पावर के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।